फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो रहा है, दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह को मैं बहुत ही बिजी थी आज, तो इसलिए ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। और कल हम लोग का एनिवर्सरी है तो इसलिए मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी से तैयारी करूंगी। और क्या क्या तैयारी करूंगी एनिवर्सरी के लिए, इनको कुछ सरप्राइज हम सोचे हैं देंगे इनको, तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं अभी से। और अभी 2 बज रहा है दोपहर के, तो अभी टाइम है सोने के लिए, तो अभी से थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह करते हैं। और अभी हम बालकनी में है और जो कि हम अभी थोड़ा लाइटिंग का भी मतलब करेंगे सोचे हैं, तो इसलिए ये लाइटिंग लगा रहे थे ये लाइट, तो इसको अभी हम ज्वाइंट कर लेते हैं। इसको खोल के रख दिए थे और अभी इसको ज्वाइंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। का हम सेटिंग कर लिए हैं और लाइट जल भी रहा है देख लिए हैं, और अभी हम कुछ नहीं करते हैं, अभी सो जाते हैं थोड़ा सा। शाम को सारा डेकोरेशन करना है और ये जब मतलब बाहर चल जाएंगे तब, तो चलिए अब सो जाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, 6:20 या 30 मिनट हो रहा है, मेरा घड़ी खराब है और मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ और डेकोरेशन का ही, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। कांच का गिलास में थोड़ा सा कलर डाली हूँ, रेड कलर, तो इस वाटर कैंडल बोलते हैं, तो इसमें हम नॉर्मल पानी लिए थे और थोड़ा सा कलर ऐड किए हैं। और उसके बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या ऐड करेंगे। तो हम रुई लाए हैं और इसको हम ये वाला डिब्बा को हम काटे हैं देखिए इस तरह का, और यहाँ पर छेद भी कर लिए हैं, तो ये रुई को हम लोग यहाँ पर घुसाएंगे और फिर यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, सरसों तेल हो या पूजा का तेल हो कुछ भी तेल डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर कैसे चलेगा वो रात को दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे, तो चलिए इसका काम स्टार्ट कर। मैं यहाँ पर अभी बैठी हुई हूँ और बालकनी में, तो मैं रोज कुछ लाई हूँ, तो इसलिए मैं हैप्पी एनिवर्सरी लिखने वाली हूँ, तो चलिए अब लिखते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस, मैं ये खूबसूरत सा दिल बनाई हूँ अभी रोज से, और क्या करते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। मेरा आधा डेकोरेशन हुआ है जो कि आप लोग देखना चाहेंगे, तो चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं। और कुछ हम अलग सोचे थे और कुछ अलग हो गया, लेकिन वो भी अच्छा ही हुआ है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं मेरा डेकोरेशन। गाइस, हम मेरी गोल्ड का फूल लाने के लिए बोले थे बट वो नहीं लाए, सिर्फ रोज ला दिए और मेरी गोल्ड फूल के बोले। और फिर हम दोबारा सोचे कि हम कैसे डेकोरेशन करें, फिर सोचे कि होली है और होली से हम डेकोरेशन करते हैं, तो ये अबीर का कलर है तो उसी से हम डेकोरेशन किए हैं। और वो जो दिल बना है वो रोज का है, तो कैसा लग रहा है कॉमेंट में जरूर बताइएगा मेरा डेकोरेशन। और थोड़ा सा बाकी है वो भी, हम इसीलिए डेकोरेशन कर रहे हैं, अगर रूम में करते तो उनको पता चल जाता और मेरे को 12 बजे सरप्राइज देना है उनको, और वहाँ पर ये वाला गेट बंद कर देंगे तो पता नहीं चलेगा, और इसीलिए हम वहीं पर मतलब डेकोरेशन कर रहे हैं। तो मैं अभी गुब्बारे फुला रही हूँ, इतना सारा है बट इतना सारा हम नहीं फुला सकते हैं, कुछ थोड़ा सा फुलाएंगे और वहीं पर इसको सजाना है, तो अभी जल्दी फुला लेते हैं फिर आते होंगे ये, तो वो जल्दी जल्दी काम तो गाइस मेरा सारा डेकोरेशन हो चुका है, सिर्फ केक रखना बाकी है, तो इस तरह का हम डेकोरेशन किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी रात के 12 बजने में जस्ट 5 मिनट बाकी है और मैं जा रही हूँ उनको विश करने, मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं एक रोज रखी हूँ तो ये लेके जा रही हूँ। सबसे पहले ये रोज देते हैं, उसके बाद वो वाला सरप्राइज देंगे, तो चलिए अब रोज देते हैं। तो अभी 12 बज चुका है, तो अभी एनिवर्सरी विश करते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी, ये वाला थैंक यू। और एक सरप्राइज है आपके लिए, अभी 8 आपको बंद करना पड़ेगा, रुकिए 2 मिनट रुकिए, हम आ रहे हैं।
उठा सो जा रहे उठिए ओए नो चिटी दही उठिए उठिए कहीं गयो आइए तो रुकिए 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 खोलिए गली ऐसा सरप्राइज देख के आपको कैसा लगा? I can't believe this. Oh my God. ऐसा था मेरा आज का प्लानिंग. तो ये था मेरा प्लानिंग कुछ इस तरह का जो मेरे हस्बैंड को हम सरप्राइज दिए. तो ये डेकोरेशन आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा. हम लोग केक काट एनिवर्सरी माय लव. ऐसे ही आप हमेशा मेरे साथ रहिए. हम इनको चांदी का ब्रेसलेट गिफ्ट किए हैं, गोल्ड का नहीं. इतना पैसा नहीं था मेरे पास. हम लोग का एनिवर्सरी खत्म और अभी जा रहे हैं हम केक रखने के लिए. और इस तरह का मेरा डेकोरेशन था जो कि मेरा हस्बैंड को बहुत पसंद आया. तो अभी इसको रख लेते हैं और फ्रिज में रखना पड़ेगा. और खाएंगे आप तो इसको भी ले आए हैं. यहाँ पर लाइट उट बंद कर देते हैं. यहाँ का लाइट बंद कर देते हैं. हम केक रख लिए हैं फ्रिज में जो बचा हुआ था. और एनिवर्सरी हम लोग का अभी रात का ख़त्म हुआ है. कल क्या सरप्राइज इनके तरफ से होगा वो नहीं पता मेरे को. और मेरे तरफ से ये सरप्राइज था इनको. हम ये बहुत अच्छा लगा इनको.
और यही सब तो खुशी है, थोड़ा थोड़ा जो मजा आता है लाइफ में ये सब करने में, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को भी करने में, और इनका खुशी देख के मेरे को और अच्छा लगा। तो चलिए अभी बहुत रात हो चुका है, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर से चालू करते हैं। कल होली भी है तो होली की भी तैयारी करना है, फिर यूनिवर्सिटी का भी तैयारी करना है, तो अभी हम सो जाते हैं फिलहाल। तो गुड नाइट गाइस, कंटिन्यू करेंगे कल फिर से यही वाला वीडियो। थैंक्स, गुड इवनिंग। और एनिवर्सरी हम लोग का भी पार्टी होने वाला है, और मेरा हस्बैंड भी सोए हैं, होली खेल के पूरा दिन आज थक गए हैं, तो थोड़ा देर उठने के बाद इनका केक कटिंग होगा हम लोग का, सिंपल सा बस और कुछ नहीं। आज होली था तो इतना अच्छा हो नहीं पा रहा है एनिवर्सरी, किसी को बुलाए भी नहीं है और सिर्फ घर का, तो उठने के बाद हम लोग केक कटिंग करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं केक कटिंग करने के लिए, और आंटी बैलून पर भी है, ये फोड़ेगी अभी इसको। और अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बज रहे हैं, तो चलिए हम केक लेके जा रहे हैं, आप इसको लेके चलिए। तो अभी हम लोग केक कटिंग करते हैं, और अभी हम जो साड़ी पहने हैं वही साड़ी से केक कटिंग करने वाले हैं, क्योंकि मेरे को चेंज करने का मन बिल्कुल भी नहीं है आज। हाँ अभी कहाँ से लेकर आए? फिर कैसे करेगा आपो का? अरे लाइट नहीं नहीं यानी नहीं यानी नहीं हस्बैंड के तरफ से मेरे को ये वाला फूल मिला था, और कुछ पैसा मिला है, तो पैसा इसलिए मिला क्योंकि उनको खरीदने का टाइम भी नहीं मिला, और ये भी नहीं हुआ कि क्या लेंगे सोच नहीं पाए मेरे लिए बोल रहे थे तो तुम ही खरीद लेना तुमको जब पसंद है। तो मेरे को 5,000 रुपीज दिए हैं और ये वाला बुके दिए हैं, तो और हम तो उनके लिए पहले से खरीद के रखे थे गिफ्ट, और आप लोग देखे होंगे जब हम दिए हैं वीडियो में, और ब्रेसलेट हम पहले से ही खरीद के रखे थे, और अभी का अगर सोचते तो नहीं खरीद पाते क्योंकि अभी टाइम ही नहीं मिलता, ये होली के चक्कर में मेरा एनिवर्सरी खराब हो गया। और बोले भी हैं कि मतलब होली के बाद पार्टी देंगे, क्योंकि हम किसी को भी इनवाइट नहीं किए थे, और इनवाइट इसलिए नहीं किए क्योंकि होली है और कोई आ भी सकता है कोई नहीं भी, तो इसलिए हम लोग घर में केक कटिंग कर लिए। लेकिन कल रात का मोमेंट बहुत अच्छा था हम लोग के लिए, और मतलब ये तो देखने लायक हो गए थे, पूरा सॉक्ट हो गए थे, बोले ये कर दी क्या कर दी तुम, हम सोचे भी नहीं थे कि मतलब कुछ इस तरह का की होगी, अगर रूम में करते तो उनको पता चल ही जाता, और इसलिए हम बालकनी में किए थे तो इनको पता ही चला नहीं। तो इस केक कटिंग हम लोग का हो गया, और नीचे कुछ डेकोरेशन वगैरह नहीं किए थे, और आज होली का दिन था तो मन ही नहीं किया डेकोरेशन करने का, और रात को तो किए थे इसीलिए नहीं किए।
और आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आशा करती हूँ पसंद आया है। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और एक अच्छा ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।